वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग अपडेट बाय CHO पे। दोस्तों आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बहुत शानदार लेवल की चल रही होगी। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू बने हो तो आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रह रही। दोस्तों आज अपन लेकर आए हैं राजस्थान CHO 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, जो कि आपको डायरेक्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिले होंगे और आगे अपने जो CHO के एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। शुरू करने से पहले जितने भी साथी वीडियो नए देख रहे हैं उन सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में आ रहे बेल आइकन को जरूर दबा लो, क्योंकि ये चैनल आपको सिलेक्शन ज़रूर देगा। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिल रही है स्मार्ट स्टडी के साथ MCQ सेशन, GK सेशन और थ्योरी सेशन, और साथ में फ्री मेगा टेस्ट सीरीज। बिल्कुल दोस्तों, फ्री CHO टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं दोस्तों, क्या जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है वो है अपना क्या, प्रेशर अल्सर की स्टेज के बारे में। जो क्वेश्चन पहला रहेगा दोस्तों वो रहेगा कौन सा, प्रेशर अल्सर जो स्टेजेज है उनके बारे में रहने वाला है दोस्तों। तो कितनी होती है इसकी स्टेज और उसमें अपन कैसे कैसे उसको पहचान सकते हैं वो अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। सबसे पहले अपन देखेंगे स्टेज फर्स्ट को क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, इंटैक्ट स्किन जो है वो इंटैक्ट हो जाती है विद नॉन ब्लेंचेबल रेडनेस के साथ में ऑफ लोकलाइज्ड एरिया दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपन पढ़ रहे हैं प्रेशर अल्सर की स्टेज जो मोस्ट रिपीटेड होती है, हर एक एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। तो आज अपन सारी की सारी स्टेज यहाँ पर क्लियर कर लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो दोस्तों प्रेशर अल्सर जो स्टेज है उसकी पहली स्टेज होती है स्किन का इंटैक्ट हो जाना, हल्का सा स्किन इंटैक्ट हो गई है उसमें रेडनेस दिख रही है अपने को, वो क्या है, वो मोस्ट कॉमन होता है। इसके अंदर रेडनेस दिखती है मोस्ट कॉमन, इसमें क्या होती है, रेडनेस देखने को मिलेगी स्किन पर, हल्की हल्की स्किन रेड हो जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है क्यों, क्योंकि इसमें सारी नर्व्स एंडिंग जो होती है नर्व एंडिंग ओपन हो जाती है। तो बिल्कुल दोस्तों छाप लो आप तो, कि अगर आपको ऐसे बोल दिया जाए कि स्किन इंटैक्ट हो चुकी है और रेडनेस दिख रही है तो कौन सी स्टेज है, तो ये दोस्तों पहली स्टेज होती है प्रेशर अल्सर की। चलो नेक्स्ट और देख लेते हैं, स्टेज सेकंड क्या होगी, स्टेज सेकंड के अंदर क्या होगा दोस्तों, सेकंड स्टेज को अपन क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं क्या, पार्शियल थिकनेस। पहली चीज पार्शियल थिकनेस, दूसरी चीज लॉस ऑफ डर्मिस, इसमें क्या है, जो स्किन है डर्मिस जो लेयर है उसका लॉस हो जाएगा, ये पार्शियली थिकनेस होती है। और इसके अंदर मोस्ट कॉमनली क्या चीज़ देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमनली इसमें रेड पिंक कलर का वुंड देखने को मिलता है मोस्ट इम्पोर्टेंट ये
क्वेश्चन है दोस्तों, ये स्टेज बहुत बार पूछी गई स्टेज है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेज थर्ड। थर्ड स्टेज में क्या मिलेगा अपने को देख लेते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। स्टेज थर्ड के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, चलो अभी देखते हैं। वीडियो को आप लाइक जरूर करें दोस्तों, बेहतरीन सेशन होने वाला है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन अपन देखेंगे इस सेशन के अंदर, तो इसे कहते हैं फुल थिकनेस। फुल थिकनेस प्रेशर अल्सर, इसमें क्या है, टिश्यू का लॉस होता है, टिश्यू लॉस होते हैं। सबक्यूटेनियस फैट जो है वो विजुअल हो जाता है, सबक्यूटेनियस जो फैट है, सबक्यूटेनियस फैट विजिबल हो जाता है, विजिबल हो जाता है दोस्तों। इसके साथ साथ और क्या देखने को, इसमें बोन टेंडन मसल्स आर नॉट एक्सपोज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इसके अंदर, कि बोन मसल टेंडन टेंडन आर नॉट एक्सपोज मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली स्टेज है ये, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये स्टेज है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं फाइनल स्टेज, फोर्थ स्टेज। स्टेज फोर में अपन क्या देखेंगे दोस्तों, स्टेज फोर, ये स्टेज फोर है दोस्तों, जिसे कहते हैं फुल थिकनेस। क्या कहते हैं, फुल थिकनेस, इसमें टिश्यू लॉस होता है, टिश्यू का लॉस होता है और साथ में क्या, एक्सपोज हो जाती है बोन, एक्सपोज्ड बोन, बोन भी दिखती है घाव के अंदर से, एक्सपोज्ड बोन टेंडन और मसल, ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो जाती है स्टेज नंबर फोर में। ये था दोस्तों पहला क्वेश्चन, कैसा लगा आपको पहला क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपके कम से कम 4 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको ये जो 4 क्वेश्चन है ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट रिपीटेड। तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखते हैं दोस्तों जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन का नाम है दोस्तों कि एब्सेंस ऑफ बाउल साउंड किसमें देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है एब्सेंस ऑफ बाउल साउंड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, पैरालाइटिक इलियस। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, पैरालाइटिक इलियस होगा इसका राइट आंसर, जिसका क्या मतलब होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों अपना, कि जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कि वुंड एविस्रेशन क्या होता है, बताइए दोस्तों वुंड एविस्रेशन क्या होता है।
वुंड एविसरेशन क्या होता है। तो दोस्तों क्या होता है वुंड एविसरेशन बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर, और कौन सी पोजीशन उसके अंदर देते हैं वो भी बताएं। कि दोस्तों जैसे कि मानो ये कोई घाव हो रहा था, अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर इसकी सूचरिंग कर दी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि यहाँ से कोई ऑर्गन प्रोट्यूड हो जाए, मतलब कोई भी ऑर्गन जैसे इंटेस्टाइन है मान लो, स्टोमक का है ये, तो इंटेस्टाइन क्या आ गई, बाहर आ गई यहाँ से, तो ये क्या होता है वुंड से एविसरेशन होना, मतलब प्रोट्यूजन ऑफ इंटरनल ऑर्गन की प्रोट्रूजन ऑफ प्रोट्रूजन ऑफ इंटरनल ऑर्गन थ्रू सूचर लाइन, सूचर लाइन के थ्रू क्या हो जाना, इंटरनल ऑर्गन्स का प्रोट्रूड हो जाना, मतलब बाहर की तरफ निकल जाना, वो कहलाता है क्या, वुंड एविसरेशन। दोस्तों वुंड एविसरेशन से प्रिवेंट करने के लिए अपने को कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, तो फ्रेंड्स इसके अंदर अपने को देनी चाहिए कैसी पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन कैसी पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन अपने को देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, फोर नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि रिबन लाइक स्टूल किस में देखने को मिलता है, क्या नाम है दोस्तों उस प्रॉब्लम का जिसमें, सॉरी मैं दोबारा लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, रिबन लाइक स्टूल किसमें देखने को मिलता है, जल्दी बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों रिबन लाइक स्टूल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड, और मैंने भी बहुत बार रिपीट करवा चुका हूँ, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, नाम क्या है उस डिजीज का, उसका नाम है हिस्ट प्रुंग डिजीज, या फिर इसे और क्या कह सकते हैं, इसे कहते हैं मेगा कोलोन एगेंग्लियोनिक कोलोन। इसमें क्या है, गैंग्लियोनिक जो नर्व है वो क्या होती है, ये अब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, वो एक साइकेट्रिक का एक क्वेश्चन है, डिफेंस मैकेनिज्म का। क्वेश्चन नंबर फाइव सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन कि प्रोजेक्शन जो होती है, प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है, बताएं दोस्तों प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि राम, कोई माइंड मत करना जिसका नाम हो, एग्जांपल है बस, मेरा ही ले लेता हूँ मैं डीपी यूनिवर्सिटी एग्जाम में
फेल हो गया, हुआ तो नहीं कभी, बस जस्ट एग्जांपल, फेल हो गया, फेल हो गया। और डीपी ने बोला बोला कि टीचर्स ने नहीं पढ़ाया इसलिए मैं फेल हो गया, टीचर्स ने नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया इसलिए मैं फेल हो गया। तो ये जो एग्जांपल है दोस्तों, ये कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म का है बताइए, कि डीपी यूनिवर्सिटी एग्जाम में फेल हो गया और डीपी ने बोला कि टीचर्स ने नहीं पढ़ाया इसलिए मैं फेल हो गया, तो मतलब वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, अपने आप को संतुष्ट रखने के लिए वो ये चीज़ बोल रहा है कि मैंने तो बहुत पढ़ाई करी थी लेकिन हमारे टीचर ने ही नहीं पढ़ाया इसलिए मैं फेल हो गया। मतलब डीपी क्या कर रहा है, टीचर्स को ब्लेम कर रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों, टीचर्स को क्या कर रहा है, ब्लेम कर रहा है, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, टीचर्स को ब्लेम कर रहा हूँ कि मैं इसलिए फेल हो गया क्योंकि मुझे टीचर्स ने नहीं पढ़ाया इसलिए मैं फेल हो गया। तो दोस्तों प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म यही होती है कि ब्लेम करना, ब्लेम करना। अगर ऐसे सेंटेंस में आपको ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को ब्लेम कर रहा है किसी भी चीज़ के लिए, कि किसी को ब्लेम कर रहा है किसी भी चीज़ के लिए कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, तो उसके अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म लगेगी दोस्तों वो लगेगी कौन सी, प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट अपन डिफेंस मैकेनिज्म की क्लास जरूर लेंगे जिसमें आपकी पूरी डिफेंस मैकेनिज्म क्लियर कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, चलो देखते हैं कि क्वेश्चन ये है दोस्तों अपना कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, कि जो बेबी होता है एट बर्थ, बेबी होता है एट बर्थ जिसका वेट है 3 kg, तो दोस्तों उसका वेट डबल कब हो जाएगा, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उसका वेट डबल कब होगा, डबल कब होगा कंपैरिजन टू एट बर्थ, कब होगा दोस्तों बताइए कब होगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि एट बर्थ पे जो बेबी का वेट है उसका डबल वेट कब हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, आपको मैं एक रेंज बताता हूँ और फिर एक फिक्स वैल्यू बताता हूँ। अगर रेंज में क्वेश्चन आए 5 to 6 months तो राइट आंसर जाएगा क्या, 5 to 6 months। अगर ऑप्शन में दोनों ही आ जाए, 5 months भी आ रहा है 6 months भी आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, आप आंख बंद करके 5 months पर टिक कर देना, 5 months पर टिक कर देना, क्योंकि मोस्ट जो इसका प्रोबेबल है वो है 5 months। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 चलो देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों अगर आपने कल की OBG का सेशन नहीं देखा हो जो दोपहर को 12 बजे हुआ था, वो लगभग 2 घंटे का सेशन है, अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर से देख लेना। उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कंप्लीट क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं, कंप्लीट रिवीजन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको उसमें देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों वो क्लास आप बिल्कुल भी मिस मत करना। अगला क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है वो क्या है, कि एंटीडोट ऑफ हेपेरिन, एंटीडोट ऑफ हेपेरिन बताओ दोस्तों, हेपेरिन की एंटीडोट क्या होती है, सबको ही पता है इस क्वेश्चन का कि हेपेरिन की एंटीडोट क्या होती है, क्या होती है दोस्तों हेपेरिन की एंटीडोट, सबको पता है प्रोटामाइन सल्फेट, प्रोटामाइन
सल्फेट। आज के सेशन में मैं वो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए, क्योंकि दोस्तों जो रिपीट होता है वो वापस भी रिपीट होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। 8 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा कि नॉर्मल इंट्रा ओकुलर प्रेशर कितना होता है। अब तो आपको याद हो ही जाना चाहिए नॉर्मल इंट्रा ओकुलर प्रेशर IOP कितना होता है, बताएं दोस्तों कितना होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कितना होता है कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ में ICP भी बताएं नॉर्मल कितनी होती है। ICP दोनों बता दें, दो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा यहीं से और रिपीट भी हो जाएंगे। तो इसका होगा 12 से 22 MMHg और ICP कितनी होती है 5 से 15 MMHg। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों के दोनों क्वेश्चन हैं दोस्तों, स्टार मार्क कर लेना सबके सब, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों। अब देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वापस एक बार फिर से आ रहा है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चलो देख लेते हैं कि HbA1c जो है, HbA1c जो ब्लड टेस्ट है दोस्तों, टेस्ट ग्लूकोज लेवल टेस्ट होता है, ग्लूकोज लेवल कितने दिनों तक के ग्लूकोज को ये मेजर कर सकता है, लेवल आवर बताइए दोस्तों कितने। तो इसका राइट आंसर होगा कितना दोस्तों, 90 डेज, या फिर बोल सकते हैं 3 मंथ। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपन, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होने वाला है आप सभी के लिए। आप वीडियो एक बार लाइक जरूर कर दे दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ चाइल्ड ब्लाइंडनेस, बताओ दोस्तों बताइए, चाइल्ड ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा। तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज होगा दोस्तों क्या, विटामिन ए की डेफिशिएंसी। मोस्ट रिपीट ये क्वेश्चन है दोस्तों। साथ में ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो मोस्ट रिपीटेड है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एडल्ट ब्लाइंडनेस बताओ दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर, एडल्ट ब्लाइंडनेस। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आज के सेशन में आपको डिलीवर किए जा रहे हैं, परोसे जा रहे हैं भाई। ये नाश्ता आप जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये नाश्ता आप करोगे तो आपके भाग्य खुल जाएंगे, आपका पेट भर जाएगा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों क्या, कैटरैक्ट क्या होगा, कैटरैक्ट होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बारह देखते हैं दोस्तों, देख लेते हैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि चोवेस्टिक साइन, बिल्कुल दोस्तों चोवेस्टिक साइन और ट्राउजे साइन किस में देखने को मिलते हैं, चोवेस्टिक और ट्राउजियस, साइन किस में देखने को मिलते हैं बताइए दोस्तों, किस में देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, हाइपो
कैल्शियमिया, हाइपोकैल्शियमिया में देखने को मिलता है। दोस्तों चोबिस्टेक साइन और ट्राउजिस साइन किसमें देखने को मिलता है? हाइपोकैल्शियमिया में। इसमें क्या होता है ट्राउजिस साइन में? इसमें जर्की मूवमेंट्स होते हैं, जर्की मूवमेंट्स होते हैं। और चोबिस्टेक साइन में क्या होता है दोस्तों? इसमें फेस की जो मसल है वो ट्विच हो जाती है, फेशियल मसल ट्विच हो जाती है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये किसमें देखने को मिलता है? टिटेनी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। बिल्कुल दोस्तों, दिल थाम के बैठे रहो, शानदार भोजन परोसा जाएगा आपको आज के सेशन में। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं वो क्वेश्चंस आज आपको इस सेशन में देखने को मिल जाएंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि राइस वाटर स्टूल किसमें देखने को मिलता है? सभी को याद होगा, बिल्कुल याद होगा, क्यों नहीं होगा, मैंने इतने सेशन आपको करवाए हैं, हर क्वेश्चन सेशन में ये क्वेश्चन रिपीट मैंने कर चुका हूँ लगभग। तो राइस वाटर स्टूल होता है दोस्तों किसमें? कोलेरा के अंदर राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या रहेगा फ्रेंड्स? कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कूलेन साइन एंड ग्रे टर्नर साइन किसमें देखने को मिलता है? ग्रे टर्नर साइन बताओ दोस्तों किसमें देखने को मिलता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, ये चैनल आपकी ज़िंदगी बना देगा, बिल्कुल बना देगा दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी ज़िंदगी बना देगा ये चैनल। एक बार इसको सब्सक्राइब कर लो, फिर आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा दोस्तों इस चैनल से। भरोसा नहीं हो तो उन बच्चों से पूछ लो जो शुरू से मेरे साथ जुड़े हैं, वो बच्चे आपको अच्छे से बता देंगे कि इस चैनल पर आपको क्या कुछ मिलने जा रहा है और क्या कुछ मिलने जाएगा। तो दोस्तों कूलेन साइन और ग्रे टर्नर साइन किस में देखने को मिलता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये देखने को मिलता है पैनक्रियाटाइटिस में देखने को मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कूलेन साइन क्या होता है? अम्बलाइकस के पास में कैसा ब्लूइश डिस्कलरेशन होना। और ग्रे टर्नर साइन क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ फ्लैंक एरिया जो है, फ्लैंक एरिया है वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको? ब्लूइश डिस्कलरेशन। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों और शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रेड बिफी टंग किस में देखने को मिलती है? रेड बिफी टंग बताओ दोस्तों। रेड बिफी टंग किस में देखने को मिलती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस दोस्तों। रेड बिफी टंग देखने को मिलती है किस में? पर्निशियस एनीमिया में रेड बिफी टंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 16 जो बार बार रिपीट हुआ है दोस्तों, कॉप्लिक स्पॉट कहाँ देखने को मिलता है? कॉप्लिक स्पॉट कहाँ देखने को मिलता है? कॉप्लिक स्पॉट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आज का सेशन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का सेशन है दोस्तों। तो कॉप्लिक स्पॉट कहाँ मिलता है दोस्तों? कॉप्लिक स्पॉट मिलता है दोस्तों किस में? मीजल्स में। वेरी गुड, मीजल्स में देखने को मिलता है, जिसे खसरा कहते हैं हिंदी में। मीजल्स को खसरा कहते हैं क्योंकि हिंदी में भी आ जाता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों क्या है कि अपेंडिसाइटिस का सिम्टम्स क्या है मोस्ट कॉमन? अपेंडिसाइटिस जो है दोस्तों उसका मोस्ट कॉमन सिम्टम बताओ। मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है अपेंडिसाइटिस का, बताइए दोस्तों क्या है अपेंडिसाइटिस का मोस्ट कॉमन सिम्टम है दोस्तों? क्या रीबाउंड टेंडरनेस, याद रखना दोस्तों रीबाउंड टेंडरनेस एट मैकबर्ने पॉइंट, मैकबर्ने पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों कि लेप्रोसी डिजीज का दूसरा नाम क्या है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। लेप्रोसी डिजीज का अदर नेम क्या है दोस्तों? लेप्रोसी डिजीज का अदर नेम क्या है, किस नाम से जाना जाता है लेप्रोसी डिजीज? मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, जल्दी से इसका राइट आंसर दें। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? इसे कहते हैं हैंसन डिजीज। क्या? हैंसन डिजीज इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों कि डायबिटीज मेलाइटस के अंदर मोस्ट क्लिनिकल फीचर क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटस का मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर बताओ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कल के सेशन में इसके बारे में बताया था। 3P इसमें देखने को मिलता है, वो है कौन सा? पहला P क्या है? P4 पॉलीडिप्सिया। अगले P का क्या मतलब है? P4 पॉलीफेजिया। नेक्स्ट पी का क्या मतलब है? नेक्स्ट पी का क्या मतलब है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। P4 पॉलीफेजिया और मोस्ट इम्पोर्टेंट P4 पॉलीयूरिया। बिल्कुल दोस्तों, ये तीन चीज़ आपको किसमें देखने को मिलेगी? डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट में। और ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड ये क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इसके बाद में देखेंगे एक इन्फॉर्मेशन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? स्ट्रॉबेरी टंग। बिल्कुल दोस्तों, स्ट्रॉबेरी टंग किस में देखने को मिलती है? स्ट्रॉबेरी जो टंग है दोस्तों वो किस में देखने को मिलती है? स्ट्रॉबेरी टंग। फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलती है अपने को किसके अंदर? क्वास्की डिजीज में।
क्वास की डिजीज़ में देखने को मिलती है, क्वास की डिजीज़ में। बिल्कुल दोस्तों, और इसके अंदर कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है। अब देखते हैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, आप सभी के लिए फ्यूचर में काम आने वाली इन्फॉर्मेशन, चलो दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों ये है अपना क्या इंस्टाग्राम का पेज है दोस्तों, किस नाम से है आप नाम देख लें, राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी के नाम से अपना इंस्टाग्राम पर पेज है, राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी के नाम से। दोस्तों इस पेज को आप ज़रूर ज़रूर फॉलो कर लें, जो भी साथी इंस्टाग्राम यूज़ करता है उन सभी को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि दोस्तों इस पेज को ज़रूर फॉलो कर ले। इस पेज को फॉलो करने के बाद आपको पता चलेगा कि इस पेज पर आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी। एक बार इस पेज को ज़रूर फॉलो करें। सिंपली आप क्या है अपने सर्च बार में डालोगे राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी, मात्र एक ही मिलेगा, वो यही होगा। और इसको आप क्या कर लोगे, फॉलो कर लोगे। इसको फॉलो करने से आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो उसमें देखने को मिलेगी, जैसे क्वेश्चंस ऑफ द डे इसमें देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टेबल्स है वो उसमें देखने को मिल जाएगी दोस्तों, और स्टोरी पे आपको इस पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ऐसे रील्स में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाई हुई मिल जाएगी दोस्तों। तो अभी ये ग्रो कर रहा है, इसको आप ज़रूर फॉलो करें। इसको फॉलो करने के बाद आपको खुद को रिजल्ट दिख जाएगा कि हाँ बेहतरीन चीज़ अपने को डिलीवर हो रही है, तो इसको आप फॉलो ज़रूर कर ले दोस्तों। चलो अब शुरू करते हैं अपना वापस सेशन। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आज करवाया जा रहे हैं आपको। 21 नंबर क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड है दोस्तों, कि टेट्रोलॉजी ऑफ हेलोट क्या होता है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट क्या होता है, कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा। दोस्तों क्या होता है, चलो देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या देखने को मिलेगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस। इसके बाद इसमें क्या देखने को मिलेगा, ओवर राइडिंग ऑफ आओर्टा। और क्या मिलेगा फ्रेंड्स, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इसमें देखने को मिलेगा, जिसे क्या कहते हैं VSD, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा और क्या मिलेगा इसमें, इसमें मिलेगा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, साइज़ में बढ़ जाएगा दोस्तों, वो सेल्स का साइज़ बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22, मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन अपन देख रहे हैं इस सेशन में, क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों आज के सेशन में अपन क्वेश्चन 30 करेंगे, टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर कि पिल रोलिंग ट्रेमर्स किस में देखने को मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस में देखने को मिलता है पिल रोलिंग ट्रेमर दोस्तों, तो देखने को मिलता है पार्किंसन डिजीज़ के अंदर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये पार्किंसन डिजीज़। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या रहेगा दोस्तों। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है।
विटामिन B1 की कमी से की डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो दोस्तों क्या होता है, बेरी बेरी होता है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से। और क्या बोलते हैं विटामिन B1 को, थायामीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें दोस्तों, 100+ लाइक का अपना टारगेट है। वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। आप किसी का भला करोगे तो आपका ज़रूर भला होगा। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दो, याद से बहुत सारे अभी भी 20-25% अनसब्सक्राइब वाले मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, और दोस्तों आप सभी के लिए मेहनत जारी है। जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक नहीं रुकने वाले, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सेशंस आज चल रहा है, जो सेशन आज हो रहा है वो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। बिल्कुल बहुत बार आए हुए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है दोस्तों। टाइफॉइड के अंदर कौन सा टेस्ट करते हैं, टाइफॉइड के लिए कन्फर्मेटिव टेस्ट क्या होगा, दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके लिए रहेगा क्या होमवर्क। कमेंट बॉक्स में वीडियो ख़त्म होने के बाद बताओगे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर, वीडियो ख़त्म होने के बाद आप बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्या है दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक शानदार धमाकेदार सेशन दोस्तों, तो बिल्कुल भी देखना ना भूले। जिन भी साथी ने नहीं देखा हो ज़रूर देखें। आज का सेशन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चनों में से वापस आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, क्या कि रेड कलर का यूरिन किस में देखने को मिलता है, किसका इफेक्ट है, कौन सी ड्रग का इफेक्ट है रेड कलर का यूरिन देना, बताओ दोस्तों किसका है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये है दोस्तों। क्या रिफाम्पिसिन का जो है वो नॉर्मल इफेक्ट है, रिफाम्पिसिन लेने से रेड कलर का यूरिन आता है दोस्तों। और ये कैसी ड्रग, एंटी टीबी ड्रग, फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। नंबर क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल दिल थाम के बैठे रहें, शानदार सेशंस आपको यहां पर करवाए जा रहे हैं। तो बताएं दोस्तों, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड कौन सा है, मेल और फीमेल दोनों में इसका राइट आंसर दें, जिससे कि दो क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो जाए। एक निशाने से अपने दो जो है लक्ष्य है वो भेद दिए जाएंगे इससे। तो परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन मेल के अंदर क्या होता है दोस्तों, वैसेक्टोमी और फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी, फिलोपियन ट्यूब्स को कट कर देंगे,
तो ये दोनों क्या है, परमानेंट मेथड है किसके, कॉन्ट्रासेप्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए, कि सिस्टिक फाइब्रोसिस किस प्रकार का डिसऑर्डर है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस किस टाइप का डिसऑर्डर है, बताइए दोस्तों डिसऑर्डर किस टाइप का है। तो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है दोस्तों, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या है? ऑटोसोमल, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28, क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कि डेंगू फीवर के लिए वेक्टर कौन होगा, डेंगू फीवर का वेक्टर कौन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, एडीज एजिप्टाई होगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चन की, जो कि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज। आज का जो अपना लेक्चर है पूरा का पूरा दोस्तों, वो बेस्ड है सिर्फ और सिर्फ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पे। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। रीनल डिसऑर्डर के अंदर, रीनल डिसऑर्डर में, रीनल डिसऑर्डर में, रीनल डिसऑर्डर के अंदर कौन से क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे, कौन सी लैब वैल्यू, लैब वैल्यू देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें क्या, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल और क्रिएटिनिन का लेवल क्या है बेटा, वह मिलता है क्रिएटिनिन लेवल क्या मिलेगा, इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज के सेशन का ये लास्ट लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि जब एनजी ट्यूब की लेंथ मेजर करते हैं तो कैसे करते हैं, एनजी ट्यूब की लेंथ कैसे मेजर करते हैं, एनजी ट्यूब की लेंथ कैसे मेजर करते हैं, बताएं दोस्तों एनजी ट्यूब की लेंथ कैसे मेजर की जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेजर करते हैं जैसे टिप ऑफ नोज टू टिप ऑफ ईयर टू टिप ऑफ ईयर एंड ईयर लोब, सॉरी ईयर लोब एंड टू टिप ऑफ एंड ईयर लोब टू, ईयर लोब टू टिप ऑफ जीफोइड प्रोसेस, टिप ऑफ जीफोइड प्रोसेस, जीफोइड प्रोसेस, ये होता है दोस्तों क्या लेंथ मेजर करने का एग्जैक्ट और एक्यूरेट तरीका। तो ये था दोस्तों आज का शानदार सेशन। अगर आपने दोस्तों कल का ओबीजी का सेशन नहीं अटेंड किया हो, ओबीजी का जो एमसीक्यू सेशन था सुबह, वो 1 घंटे 52 मिनट की वो क्लास थी दोस्तों, अगर आपने अटेंड नहीं करी हो तो ज़रूर कर लेना। उसके अंदर 90 MCQ मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, 90 MCQ बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर करवा देगा दोस्तों बिल्कुल विद MCQ सेशन। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन, एक बार सेशन का
आप मुझे फीडबैक दें। फीडबैक ज़रूर दें कैसा लगा आज का सेशन आपको, और बताएं दोस्तों कि कोई कमी है अपने अंदर, कुछ सुधार करना हो, कुछ न्यू चीज़ें ऐड करनी हो, आप सभी सजेशन दे सकते हैं, आप सभी का सजेशन मान्य किया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों आपसे पूछकर ही सब कुछ करा जाएगा दोस्तों। और 1 तारीख को, बिल्कुल दोस्तों अब बस 2 दिन ही बाकी है, और 1 तारीख को अपन कुछ बड़ा घोषणा करने जा रहे हैं। न्यू होगा सभी के लिए, नया होगा वो, तो उसको आप बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि और वो क्लास देखना तो बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। कुछ नया करने जा रहे हैं, आप सभी अपना प्यार और साथ बनाए रखना, जिससे कि अपन आगे और तरक्की करेंगे और बेहतरीन सेशन आपके लिए लेकर आएंगे, और आपके सिलेक्शन को मजबूत कर देंगे, आपके सिलेक्शन को पक्का कर देंगे दोस्तों। ये हमारा पर्ण है दोस्तों, हमारा एक ही टैगलाइन है कि सपने आप देखो पूरा हम करेंगे। बिल्कुल दोस्तों आप सपने देखो पूरा हम करेंगे, हमारी टीम करेगी, मैं करूँगा दोस्तों, मैं आप सभी से रूबरू होता रहूँगा दोस्तों, टाइम टाइम पे आपसे मैं शेयर करता रहूँगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो कितना पढ़ना है सब दोस्तों। तो दोस्तों 1 तारीख को एक घोषणा होने वाली है, जो एक छोटी सी क्लास रहेगी 10 से 15 मिनट की, उस क्लास को आप ज़रूर 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 देखना दोस्तों, क्योंकि वो क्लास आपकी लाइफ चेंजिंग क्लास होने वाली है। बिल्कुल दोस्तों आप सभी के सिलेक्शन को मजबूत करने के लिए उस क्लास के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण क्या होने वाले हैं, अनाउंसमेंट होने वाले हैं, जो आप सभी के लिए बहुत ही शानदार होने वाले हैं। तो दोस्तों 1 तारीख को, बिल्कुल दोस्तों 2023 की जो 1 जनवरी है, 1 तारीख को देखना ना भूलें आप, शानदार सेशन जो कि 10 से 15 मिनट का होने वाला है। उस दिन कोई पढ़ाई नहीं होगी, सब बच्चे एंजॉय करना, उस दिन होने वाली है एक बहुत बड़ी घोषणा दोस्तों, तो वो देखना आप ना भूलें। फीडबैक आप ज़रूर दें, हर एक क्लास का फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दिया करो दोस्तों, जिससे कि और बच्चों को भी लगे कि हाँ क्लास शानदार थी, ताकि दोस्तों और बच्चे भी अपने से जुड़ सके, और बच्चे भी उस क्लास का आनंद ले सके, उस क्लास का फ़ायदा उठा सके। चलो दोस्तों मिलते हैं शाम को एक शानदार सेशन के साथ, आपके लिए लेकर आ रहा हूँ मैं पीडियाट्रिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो देखना आप आज शाम को। चलो दोस्तों मिलते हैं शाम को 7:30 बजे। थैंक यू सो मच।